सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो इच्वाकू चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नो इच्वाकू चैनल। दोस्तों, आईफोन की तरह आईपैड में भी आईपैड ओएस 16.3.1 फाइनली स्टेबल वर्जन रिलीज कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ नया है, क्या कुछ बग्स फिक्सेस किया गया है और क्या किस लिए ये अपडेट किया गया है एप्पल की तरफ से। दोस्तों, ये सब सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इस अपडेट को मैं सुबह सुबह 7:27 में करना शुरू कर दिया हूँ ताकि मैं दिन भर यूज करूंगा, उसके बाद शाम को मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो ये देख रहे हैं कि इसका अपडेट साइज 16.3.1 का आया हुआ 158.7 MB का, जो कि मैं कल के वीडियो में बताया था। अब मैं इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करूंगा। उससे पहले देख लेते हैं कि अभी इसका साइज़ क्या क्या है इसके सिस्टम का और आईपैड ओएस का। तो सिस्टम डेटा का साइज़ है 2.38 GB और आईपैड ओएस का साइज़ है 8.8 GB। दोस्तों, ये आईपैड अपडेट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं आईपैड ओएस 16.3.1 का ये अपडेट है। और इसके अगर साइज़ की बात करें तो क्या एक्सटेंड किया है कि नहीं, तो आईपैड ओएस अभी 8.8 GB का है और सिस्टम डेटा आप जैसा कि देख रहे हैं 3.04 GB है, जो कि थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कुछ नया देखने को मिला है। हालांकि नया कुछ देखने को मिला नहीं है, जो था उसी को इम्प्रूव कर दिया गया है। जो कुछ प्रॉब्लम था पहले उसको सॉल्व कर दिया गया है। iOS 16.3.1 की भांति ही iPad OS 16.3.1 रिलीज किया गया है और इसी तरह इसमें भी iCloud बैकअप जो है उसमें जो प्रॉब्लम हो रहे थे उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ से आप Apple ID वाले सेक्शन में जाइएगा, उसके बाद ये जो आता है आपका iCloud बैकअप, इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे लोगों को। बहुत सारे लोग iCloud बैकअप से बैकअप करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। उस चीज़ को इस पार्टिकुलर अपडेट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो वो है सीरी से रिलेटेड। पिछले वाले अपडेट में सीरी से रिलेटेड जो लोकेट माई फ़ोन था, लोकेट माई डिवाइसेस था, उससे कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब इस अपडेट में अब सीरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थे फाइंड माई, उसको दूर कर दिया गया है। हे सीरी, वेयर इज माई आईपैड? जैसा कि देख रहे हैं कि ये सर्च कर रहा है मेरे आईपैड को और अभी बताएगा कि ये कहाँ पर है। देखिए, ये बोला कि आपके नजदीक में ही है। अब ये काम बहुत अच्छा से करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो अगर आपके पास आईफोन 14 वाले सीरीज है, उसमें जो क्रैश डिटेक्शन का आया है न्यू फीचर्स, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे लोगों को, उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो ये अभी आईपैड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया कि अगर आप iOS 16.3.1 वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आई वाले बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से जा करके उस वीडियो को जरूर देखें कि क्या कुछ नया है, वो चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। कुछ लोगों को कनेक्शन से रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा था, जैसे कि ये ब्लूटूथ, ये एयर ड्रॉप, आपका वाईफाई, ये सब सारे चीज़ों में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कुछ लोगों को, लेकिन अब इस चीज़ को दूर कर दिया गया है। अब आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बैटरी की बात करें तो इसमें क्या बैटरी ड्रेनिंग इशू को फिक्स कर दिया गया है या बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, तो अभी फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है। आगे मैं आईपैड और iOS 16.3.1 का रिव्यू वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसमें मैं जरूर बता दूंगा कि क्या अभी समस्या चल रही है, क्या बैटरी ड्रेन हो रहा है वाकई में। तो दोस्तों, बस यही था इस अपडेट में। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई मेजर अपडेट हो तो उसके लिए आप वेट कीजिए, iPad OS 16.4 जरूर आएगा। तो दोस्तों, यही था इस अपडेट में। हालांकि एप्पल कोई भी अपडेट लाता है तो कोई ये यूं ही नहीं रहता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है। तो इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी अपडेट जो है, सिक्योरिटी पैचेज है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एप्पल मेंशन भी नहीं करता है, उस चीज़ को भी सॉल्व कर दिया गया है। इस अपडेट में कोई कुछ खास नहीं था। अगर आप iOS 16.3 में जैसा आप इस्तेमाल कर रहे थे वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी चेंजेज आपको देखने को मिला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो नीडी पर्सन है। दोस्तों, इस M1 चिप वाले iPad Pro 11 इंच को 2023 में खरीदना उचित रहेगा या नहीं, इस पर अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्या 2023 में इसको लेना सही रहेगा या M2 की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।